मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गढ़ी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्व कल्याणकारकम्, प्रदानम् सर्वधर्माणाम्। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथि करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजन हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यही ते उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। यह छठवां अधिकार हमारे गृहीत मिथ्यात्व का खंडन करते हुए अनादि काल पृष्ठ क्रमांक 188 से अपना प्रकरण प्रारंभ आज होना है। 188 अनादिकालीन अगृहीत मिथ्यात्व और इस प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में जो हमने गृहीत मिथ्यात्व को श्रद्धा पूर्वक इकट्ठा किया है। टोडरमल जी कहते हैं कि आप क्षयोपशम ज्ञान के धारी हो, पंचेंद्रियों से युक्त हो, मनुष्य गति के जीव हो, जैन कुल पर्याय आपको मिली हुई है, जिन धर्म के संस्कार आपके डले हुए हैं और मोक्ष मार्गी हो, जल्द से जल्दी ही सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले भव्य जीव हो, और ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले भव्य जीव के अंतरंग में अगर ऐसा गृहीत मिथ्यात्व का कचड़ा पड़ा रहा तो यह जीव इस काल तो क्या अनंत काल मनुष्य स्वभाव धारण कर ले तो भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धा में दृढ़, ऐसी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए कि काल कोई भी हो, द्रव्य कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, पर्याय कोई भी हो, हमारी श्रद्धान हमारी अडिग ना हो पाए, डिग ना पाए। श्रद्धान मतलब कैसा? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, अपने निज स्वभाव शुद्धात्मा के प्रति श्रद्धान। परद्रव्य हमारा कोई करता धरता नहीं, मैं स्वयं अपने परिणामों का करता हूं, मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, ऐसी श्रद्धा जिस भी पर्याय में हो उस पर्याय में कार्यकारी है। और यह पर्याय मिलेगी कैसे, यह श्रद्धा बनेगी कैसे? बोले जब आप एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लोगे तब आपकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाएगी कि अगर आप देवगति के स्वधर्मेंद्र देव भी बनोगे तो वहां तत्व तो चर्चा करोगे, और नरक गति में नारकी के जीव रहोगे भी तो वहां पर अपने आत्म परिणामों की साधना करोगे। मतलब आपको कोई द्रव्य नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई काल नहीं, आपके अपने आत्म स्वभाव से दूर कर ही नहीं सकता। ये है सम्यक्त का दृढ़। और अगर इस सम्यक्त्व के दृढ़ में अगर कोई कचरा कुगुरु कुदेव कुधर्म का हमारे अंतरंग में पड़ा रहा तो फिर द्रव्य कोई हो, क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, वहां कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, वहां कोई ना कोई धर्म मिल जाएगा, वहां कोई ना कोई कुशास्त्र मिल जाएंगे और तुम्हारी श्रद्धा पर सारा पानी फेर देंगे। आई बात ना कि बोले जड़ को मजबूत करना है, वृक्ष को मजबूत नहीं करना है। जड़ मजबूत रहेगी तो वृक्ष तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। श्रद्धा अगर अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपने आत्म साधना पर रहेगी तो क्षेत्र कोई भी हो उस क्षेत्र पर भी तुम अपने आत्म प्रणाम साधे बिना रहोगे नहीं। इसी बात को छठवें अधिकार में कल लास्ट कुगुरु के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए जो मुमुक्षु भाई हैं और जो कहते हैं कि भाई तत्व श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, अतत्व श्रद्धान से मिथ्यात्व नहीं हुआ, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि शीलवती पुत्री पर स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करने में किंचित मात्र भी राग नहीं करती हो, है ना। तो वैसे ही यह सम्यक्ति पुरुष कुगुरु कुदेव के सेवन या उनको दर्शन आदि बंधन कभी भी नहीं करता है। ये है सच्ची श्रद्धा की पकड़,
सम्यक्त की पकड़, आत्म साधना की पकड़ कि परद्रव्य मेरा कर सकता नहीं, तो यह शरीर भी या मेरा क्षयोपशम ज्ञान भी मुझे आत्म साधना कराने में सक्षम नहीं। मैं स्वयं अपने परिणामों का करता हूं, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव शास्त्र ग्रंथ आदि गुरु हमारे करने के कर्तव्य नहीं। आज 188 नंबर पेज पर 188वें नंबर से कुधर्म के निरूपण की चर्चा यहां पर होनी है। कुदेव हो गया, जिसमें पंडित टोडरमल जी ने संसार के जितने भी कुदेव हैं अन्य जाति की अपेक्षा सभी का खंडन किया, और जो जैन जाति में जैन पर्याय में कई लोगों ने कुदेवों का संसर्ग पाके व्यंतर आदि क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, इसका निषेध किया। उसके बाद कुगुरु के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने तो सर्वप्रथम वेशधारी जो है उनको कुगुरु बताया, वेशधारी। फिर उसके बाद में ये कहा कि देखो भाई, सच्चे देवों को या व्यंतरक देवों को देव मान लेने में देव आके आपका गला नहीं पकड़ेंगे। कोई देव आपसे ये आके नहीं कहेगा कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो या तुम मेरा स्वरूप ऐसा क्यों बता रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर गुरुओं के स्वरूप का निरूपण किया और कोई गुरु कुगुरु निकला और उस कुगुरु में उसको ये बात खटक गई, तो वो जरूर और उसके श्रद्धालु जरूर आके मेरा गला पकड़ लेंगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर अपने आराध्य आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव के सारे ग्रंथों के दृष्टांत देकर अपनी बात कहूंगा कि देखो, ये मेरी घर की बात नहीं है। जिस जिस काल पर हमारे गुरुओं हमारे धर्म के ऊपर उपसर्ग आया है और धर्म का कुधर्म हुआ है, वहां ऐसे आचार्यों ने अपनी बात कही है, और उन्हीं की बात को मैं गाथा पूर्वक दृष्टांत करके आपके लिए देता हूं। वस्त्र अपेक्षा गुरु नहीं हो सकता, कुल अपेक्षा से गुरु नहीं हो सकता, गद्दी अपेक्षा से गुरु नहीं हो सकता, आतत्व श्रद्धानी गुरु नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि गुरु नहीं हो सकता, वस्त्रधारी कोई पुरुष हमारा गुरु नहीं हो सकता। जिसके अंतरंग में भीतराग सर्वज्ञ हितंगरता पाई जाती हो, ऐसे सर्वज्ञ देव ही हमारे सच्चे गुरु हैं, और उनकी बात को बतलाने वाले अनंत परमेष्टि जो सशरीर विराजमान है, वे ही हमारे निर्ग्रंथ सच्चे गुरु हैं। उसके अलावा हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज जो उनके बताए हुए रास्त्र पर चलकर जनवाणी का पठन पाठन और लेखन का कार्य करते हैं, ऐसे मुनिराज भावलिंगी दिगंबर ही पूजनीय हो गए हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अब यहां पर पंडित टोडरमल जी कुधर्म का निरूपण कर रहे हैं। कुधर्म क्या है? अरे ये बात मेरी नहीं है। कुधर्म मतलब क्या? धर्म से अन्यथा स्वरूप, जो धर्म वो धर्म और जो धर्म का अन्यथा स्वरूप सो कुधर्म। हम कुधर्मी तो नहीं है, हम कुधर्म को धारण नहीं करते। हम मंदिर जाते, पूजन करते, स्वाध्याय करते, प्रवचन करते, सुनते सुनाते, तत्व चर्चा करते, अरे हम कुधर्मी नहीं है, हम तो धर्मी हैं। बात कहते ना, तो कहते कुधर्म का निरूपण है ना। यहां पर पंडित टोडरमल जी आज अजैन व्यक्तियों के धर्म के हिसाब से और अपने जैन धर्म के कुधर्म के हिसाब से, आई बात समझ में? मतलब कैसे जैन व्यक्तियों अजैन व्यक्तियों ने कैसे अपने अधर्म को धर्म समझ रखा है, और जैसे ही इस धर्म को जैन व्यक्तियों ने धर्म को कुधर्म समझ रखा है, ऐसे कार्य का निरूपण टोडरमल जी इस आखिरी के तीन या चार पेजों में कर रहे हैं। कुधर्म का निरूपण, कुधर्म मतलब कु अर्थात खोटा, खोटा धर्म, उसका निरूपण और उसके श्रद्धा नादिक का निषेध, मतलब खोटे हुए मार्ग पर बतलाकर उसका श्रद्धान धर्म रूपी कारण समझ के करना, यह उसका श्रद्धान का निषेध है। आई बात समझ में? मतलब ये ऐसा है, ऐसी बात है कि हमें अपना धर्म मानते हुए भी हम उसमें कुधर्म का पोषण किस प्रकार कर रहे हैं, ऐसी कुरीतियों को अपने अंतरंग से निकालना है। आई बात समझ में? मान तो धर्म रहे हैं, रास्ता उल्टी चल रहा है। मतलब ऐसा है, मैंने देखा है कई कई काफी बुजुर्ग व्यक्तियों को, बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, लगभग 80-85 साल के हो जाते हैं, और उनको कोई रोग लग जाता है, और वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर उनके कोई भी जीव रहते नहीं है, और उनको पता नहीं क्या लगता है, उनके ब्लड में ऐसा कोई सर्कुलेशन होता है या शरीर पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है, उनको ऐसा लगता है कि इस शरीर पर कोई जीव रेंग रहा, और वो क्या करते हैं, 24 घंटे तीन जब तक सोएंगे तब तक नहीं, और जागेंगे और वो बस अपने शरीर से ऐसे ऐसे निकालते रहेंगे।
कैसे निकालते रहेंगे, ऐसे ऐसे निकालते रहेंगे। हम उनसे कहेंगे भैया क्या निकाल रहे हो, अरे कोई कीड़ा होगा, अरे कोई वो होगा, अरे मैल होगा, अरे ये वो होगा। उनके शरीर पर कुछ नहीं है, उनको नहला धुला के बढ़िया देव दर्शन करा के बिठाया है, लेकिन अंतरंग में ऐसी श्रद्धा में भ्रांति पड़ गई है कि उनको नित प्रति समय ऐसा लग रहा है कि कोई जीव इस शरीर पर रेंग रहा है, एहसास हो रहा और हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, कहीं पर भी ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं। अब उनके श्रद्धान को आप मतलब उसके इस श्रद्धान को सही करा के देखो कितनी देर कराओगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे। अरे वो 1 मिनट के अनंतवे सेकंडवे भाग में अपने श्रद्धान सही नहीं कर सकता, और आप जाओगे और वह प्रतिक्रिया दोबारा से चालू कर देगा। ऐसे ही अनादि काल से इस जीव ने धर्म रूपी कार्य करते हुए अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। टोडरमल जी अब उसको कहते हैं कि देख भाई, जो तू धर्म कर रहा है ये अधर्म का कार्य है, ये धर्म का कार्य नहीं है। और इस बात को बताने के लिए अनंत आचार्यों ने अपनी बात इन शास्त्रों में कही है, लेकिन तू ऐसा उल्टा खड़ा है कि उनकी बातों को झुटलाकर धर्म के अधर्म के कार्यों को धर्म का मार्ग समझ रहा। तो ये नहीं, अभी तो दोनों जरा से बात करेंगे। अरे ये जो बाहर हो रहा है, ये जो बाहर हो रहा है, ये कोई ये भी धर्म कर रहे हैं। आप उनके श्रद्धालुओं से उनके अंतरंग में दृष्टि डालकर पूछिए, आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं कि धर्म का कार्य कर रहे हैं? वो ये बोलेंगे मैं तो धर्म का कार्य कर रहा हूं। चलो ये जस्ट सेम टू सेम लोकेशन अपने को इस विधान आदि या पंच कल्याणक आदिकों में भक्ति वगैरह चलती है, और भक्ति वगैरह में पुरुष और स्त्रियां डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और उस नृत्य में इतने खो जाते हैं कि किस प्रकार के नृत्य वो कर रहे हैं यह उसकी मर्यादा ही भूल जाते हैं। अब आप उनसे हिला के झंझोर के पूछो, क्यों भाई धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो? वो यही कहेगा कि मैं धर्म कर रहा हूं। बस वातावरण क्या है, वहां भी माहौल धर्म का है, वहां भी माहौल धर्म का है, बस वहां पर गाने में उनके भजन बज रहे हैं और अपने पंच कल्याणकों में अपने भजन बन रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो कोई अंतर नहीं है, परिणति में तो कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, श्रद्धा में तो कोई अंतर नहीं है, फिर ये सब मार्ग बताकर धर्म का अधर्म कैसे हो रहा? आज पर्युषण पर्वों में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में विचित्र वेशभूषा के प्रोग्राम होते हैं। छोटी छोटी कन्याओं से 17 से 18 20 वर्ष की कन्याओं से नृत्य कराए जाते हैं। प्रवचन आदि में 10 लोगों की गिनती होगी और सांस्कृतिक प्रोग्रामों 50 लोगों की गिनती होगी, 100 लोगों की होगी, और हमेशा सांस्कृतिक प्रोग्राम बाद में प्रवचन पहले, क्यों? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो प्रवचन तक सांस्कृतिक प्रोग्राम तक रुके रहेंगे, और अगर पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम कर दिए तो प्रवचन में कितने लोग बैठेंगे गिने चुने। मतलब आपने धर्म की स्टीयरिंग किस तरफ मोड़ दी, नृत्य नाच गान वस्त्रादिक का दिखावा, नेत्रेंद्रिय का पोषण, स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय की संतुष्टि, जहां बात अनिंद्रिय की होनी थी उस दृष्टि को आपने इंद्रियों के जोर से देखा। अबे भगवान आत्मा, आप कह रहे हो कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? अरे तूने अपनी दृष्टि पे चश्मा ही खोटा चढ़ा रखा है तो तेरे को सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी? जहां पर इंद्रियों से निरोध पूर्वक अपने आत्म स्वभाव को देखने की जागरूक थी, वहां पर इंद्रियों को पोषण करके तूने विषयों का पोषण किया तो तेरे को भगवान आत्मा नहीं संसार दिखेगा, और संसार दिखेगा तो उसी की प्राप्ति होगी। क्यों भगवान का नाम ले रहा? उसी धर्म को बात, उसी धर्म का निरूपण करते हुए टोडरमल जी यह सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि देखो, हम ये अजैनों के लिए नहीं कह रहे, हम ये अधर्मियों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये ऐसे जैन व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं कि जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि की क्रिया करते हुए भी अपने आप को धर्मी मान रहा है, लेकिन प्रत्येक समय वहां पर पंचेंद्रिय और कसाय का पोषण करके अधर्म कर रहा है और कह रहा है खूटा तो धर्म का गड़ा है। आई बात समझ में? अब बताओ, मतलब आप करते हुए जीव को बोलो कि ये गलत कार्य है? अरे यहां पर दुकानदारी की बात नहीं, यहां पर संसार में शादी विवाह आदि के प्रोग्राम नहीं, यहां पर किसी
फंक्शन आदि, बर्थडे अड्डे, पार्टी के प्रोग्राम की बात नहीं होगी। यहाँ पर उसकी बात होगी कि जो जिन मंदिर में बैठ के, जिनालय के, अरहंत देव के, प्रभु के सामने बैठ के जो हम अधर्म का कार्य करते हैं और धर्म मानते हैं, उसकी बात होगी। है भाई, संसार के कार्यों को तो सभी जो पाप कहते हैं, लेकिन कोई बिरले ऐसे होते हैं जो धर्म मार्ग में भी पाप रूपी पाप बतलाकर उसको भी पाप कहते हैं। ऐसे टोडरमल जी अपने इस ग्रंथ में कुधर्म के निरूपण और उसके श्रद्धानिक का निषेध यहां पर करते हैं। बात स्पष्ट है, गंभीरता वाली बात है। एक एक लाइन, एक एक शब्द को अंतरंग में ध्यान के एक एक अक्षर सा पढ़ना, टोडरमल जी ने एक एक वाक्य में इतना गंभीर भरा हुआ है कि अगर एक शब्द भी छूट गया तो हम अपने इस कचरे को साफ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मोक्षगामी जीव हैं, स्वाध्यायी जीव हैं, और स्वाध्यायी जीव हजारों करोड़ों में बिरले होते हैं। कितने होते हैं? बिरले। और उन बिरलों में हमारा नंबर है। महानता आई, स्पष्टता आई, कुछ अपने आप में, अपने मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी महिमा जगी, उसमें हमारी गिनती है। और सोचो अहो भाग्य, उस गिनती में हम आके अगर अपना कल्याण ना कर पाए तो सोचो अब कब वो मौका मिलेगा, कब वो समय मिलेगा, कब वो द्रव्य मिलेगा, कब वो क्षेत्र, कब गुरुजन का समागम, कब जैन कुल, और कब मनुष्य पर्याय मिलेगी। गिनती सोचो, लिख के रखो अपने रजिस्टर में। अब पढ़ते हैं अपन, अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। थोड़ी सी भूमिका बनाई इस चैप्टर के बारे में कि लोग उजागर हो जाएंगे, टोडरमल जी यहां पर क्या भाव भाषण करने वाले हैं। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। भाई, किसी को हमें बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? हम किसी को दुख पहुंचाने का कारण नहीं है। हम किसी को पर्टिकुलर पर व्यक्ति के नाम से एक एक का नाम लेकर उसका विरोध करने वाले नहीं है। अरे, हमें किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है भाई। जो तो वस्तु स्वरूप है, मैं उसकी गाथा गाऊंगा, और हमारे जिनेंद्र प्रभु जो भगवान जिस रास्ते पर चलकर बने हैं, मैं उसी की बात सुनाऊंगा। यहां मेरे घर की और परद्रव्य के प्रति किसी भी कषाय रूपी हिंसा की बात नहीं है। मैं तो साधर्मी पूर्वक सम्यक्त को साथ लेके हुए गुरु आगम प्रमाण के द्वारा ये बात कहूंगा। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। देखो भाई, आपको शब्द सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि पंडित टोडरमल जी तो बुरा ही कर रहे हैं, है ना? क्यों? अब हम कुधर्म का निरूपण करते हैं। अच्छा, अब आप कुधर्म का निरूपण करोगे, मतलब आप अपने आप में इतने धर्मी हो गए कि अब आप अपने आप को इतने गुरु उपेक्षा मानकर कुधर्म का निरूपण करने लगे, मतलब आपका धर्म धर्म और हमारा धर्म कुधर्म, हाँ? यही बात आई ना, अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। ऐसे में तो पंडित टोडरमल जी के अतिशयोक्ति पने और कषायादिक भाव स्पष्ट झलक में आ रहे हैं, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, हमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा भी हमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं, और मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के परिणाम दुखाना नहीं चाह रहा। मैं तो वो ही बात कहूंगा जो जिनवाणी में पहले से कही हुई आई है, और मुझे अपना लोटा छानना है, किसी दूसरे के लोटे छानने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, जब मेरे से कोई गलती हो जाए ना, तो मुझे इस बातों का विशेष ध्यान रखे, और उसे विशेष ध्यान पूर्वक मैं अपने परिणामों की निर्मल करूं, इसलिए बात मैं पढ़ रहा हूं, और भव्य जन आगे पढ़ते रहे इसलिए मैं लिख रहा हूं। इस बात को टोडरमल जी ने 267वें नंबर पेज पर एक बात कही, एक वाक्य कही है, जो एक बात नहीं, अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। तो इस ऐसी बात को टोडरमल जी अपने आप को अतिशयोक्ति और हम सर्व श्रावकों को धर्म करते हुए, कुधर्म के मार्ग पर चलते हुए कह रहे हो। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार पर 267वें नंबर के पेज पर पहली लाइन में एक बात कहा है, औरों के ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। ये बात टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में कही, 267वें पेज पर। क्या कहा? पहली लाइन पर, औरों के ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। अरे भाई, जो बात यथार्थ वस्तु है, सत्यता है, हम उसका निरूपण करते हुए अगर तुम्हारे श्रद्धा में कोई गुरु ऐसे कुधर्म और कुगुरु का सेवन करते हुए दिखाई दिए, अपने शब्द से, अपनी वाणी से उप भी मत निकालना। अरे भव्य, उसके प्रति आप अंतरंग में एक द्वेष भाव भी मत लेके आना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपना लोटा छानो, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है, और वह परिणाम चाहे द्वेष पूर्वक पर द्रव्यों के क्यों ना हो, और चाहे स्वद्रव्यों के क्यों ना हो।
परिणामों का द्वेष लगता है, वहां पर भी तूने अगर परद्रव्य के प्रति द्वेष भाव करके उसके प्रति द्वेष किया तो उसका फल भी अनंत संसार है, तेरे को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये बात कही टोडरमल जी ने सातवें अधिकार में कि हाँ औरों के पहली लाइन में, औरों के ही ऐसे द्वेष देखकर कसाई नहीं होना, कसाई नहीं होना, द्वेषी नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। इसलिए ये बात अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। इस कुधर्म के निरूपण में पंडित टोडरमल जी के सामने एक ऐसा दर्पण सामने आया है कि अंतरंग में राग भाव, अंतरंग में परद्रव्यों के प्रति साधर्मीपना, वात्सल्यपना, कैसी कुरीतियां संसार में चल रही हैं, यह व्यक्ति धर्म करते हुए अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। हे प्रभु, अगर मुझे ज्ञान हुआ और मैं इस ज्ञान पूर्वक अपने शास्त्रों में ये लाइनें लिख के इस साधर्मी भाई को बताना चाह रहा हूं, है ना, कई तो आचार्यों ने ऐसा लिख दिया कि देखो भाई मैं बोलता हूं, मैं सुनाता हूं, मैं प्रवचन करता हूं तो लोग मेरी बात मानते नहीं है, इसलिए मैं उन भावों को अपने इन वचनों के माध्यम से लिख देता हूं। अब जो भव्यजन पात्र कार्यकारी होगा तो पढ़ लेगा और जो पात्रकारी नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। ये बात कहते हैं कि अब कुधर्म का निरूपण करते हैं तो दो से ढाई पैर अगर आप में पंडित टोडरमल जी पहले ऑप्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? जैसे प्रत्येक अधिकार में जिसका निरूपण उन्होंने किया है उसमें हेडिंग दी और हेडिंग के बाद उस पूरे अधिकार में क्या सब्जेक्ट आने वाला है पर्टिकुलर, उसके नाम टोडरमल जी ने बताया। तो अब यहां पर ढाई पहले पैराग्राफ में कुधर्म की परिभाषा, दूसरे पैराग्राफ में उसका थोड़ा सा स्वरूप, और तीसरे पैराग्राफ में कैसे यह कुधर्म को इकट्ठा करता है, किन रूपों में इकट्ठा करता है, ये बात बताएंगे। पढ़ते हैं। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, है ना, परिभाषा है कुधर्म की, आई बात समझ में, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषाई की वृद्धि हो वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। मैं बोलूंगा, सभी लोग दोहराएंगे, फिर अपन इसको स्पष्ट करेंगे। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। आई बात, उसको कुधर्म कहते हैं, ये कुधर्म की परिभाषा है। पंडित टोडरमल जी ने इसे एक लाइन में ऐसे स्टेरिंग घुमाई, स्पष्टीकरण कर दिया है कि अपनी आत्मा को झंझोर दिया है। क्या कि देखो, तुम्हारे लिए सच्चे देवसात गुरु के सामने धर्म दिखता है, तुम्हारे लिए स्वाध्याय करके ऐसा लगता है कि मुझे आत्मा की शांति मिली तो मैंने धर्म कर लिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि हे प्रभु मैंने 108 बार नमोकार मंत्र की माला फेर ली तो मैंने धर्म कर लिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने 365 दिन तत्वार सूत्र भक्तांबर स्त्रोत का वाचन करता हूं इसलिए मैंने धर्म कर लिया। अरे ये तो एक क्रिया रूपी कार्य है, अब उसकी क्रिया रूपी कार्य के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और दृष्टांत दृष्टि क्या है ये देखो। इस देखने के लिए बताते हुए कि जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, खाना बनाते हुए हिंसा होती है, गाड़ी चलाते हुए हिंसा होती है, बिस्तर पे बिना देखे या चलना बिना आंखों से देखे जीवों के पैर से हिंसा हो जाती है, गृहस्थ में रहते हुए घर के कार्य करने पे नाना प्रकार की छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती है, पंखी मच्छर उड़ने वाले जीव नाना प्रकार से ऑटोमेटिक अपने संसर्ग में आके हिंसा हो जाती है, हो जाती ना, ये तो संसार मार्ग है, संसार के कार्य हैं, ये हिंसा तो हो जाती है। टोडरमल जी कह रहे हैं अब हम इस हिंसा की बात नहीं करेंगे। क्यों 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 नहीं करेंगे? घर में किसी जीव को, चींटी को प्राणदान दे देना धर्म थोड़ा समझते हो? क्यों? अगर समझते होते तो प्रत्येक बार आप सीढ़ियों को चढ़ते और सीढ़ी को प्रत्येक बार आंखों से देखकर चढ़ते। लेकिन मुझे बताओ कि जब जब आप खाना बनाते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, बिस्तर पर बैठते हो, सोफे पर चलते हो, गाड़ी चलाते हो, दुकानदारी करते हो, कब कब आप जीवों का ध्यान रखते हो और ये समझते हो कि इनकी हिंसा होने से अधर्म हो जाएगा? सामने दिख रही है बाहरी, मतलब ये कि ये देखो, ये हिंसा की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जीव प्रमादी आलसी कसाई ऐसा है कि संसार की हिंसा को तो हिंसा समझता ही नहीं है, ये तो जीव इस हिंसा को हिंसा मानता ही नहीं है कि ये भी कोई हिंसा होती है, ये तो प्रमाद पूर्वक इतना आशक्त है कि मंदिर में चींटी मरे तो हिंसा है और घर में चींटी मरे तो अहिंसा है।
यहां पर उस हिंसा की बात नहीं करेंगे जो 365 24 घंटे में 12 घंटे सोने के बाद तुम जो 12 घंटे संसार मार्ग में प्रति समय रथ होते हुए जो हिंसा के कार्य कर रहे हो उस हिंसा की बात नहीं है। यहां पर तो जिन मंदिर जिन चैत्यालय जिन इंद्रदेव के समक्ष खड़े होकर आप धर्म रूपी चोला ओढ़ के जो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर रहे हो उस हिंसा की बात हम कर रहे हैं। क्यों? अगर हम इन जीवों की बात इस जिन चैत्यालय में बैठ के जीवों की हिंसा की बात करेंगे तो यह श्रावक समझ में आएगा, अरे इससे अत्यधिक हिंसा तो हम घर में करते हैं, उस हिंसा को हम हिंसा क्यों नहीं समझते। तो कहते हैं जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, कैसे हिंसादि पाप उत्पन्न हो, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी जीव, यज्ञ आदि के माध्यम से, पूजा आदि के माध्यम से, होम रीम क्लीम के माध्यम से, धूप खेने के माध्यम से, नारियल वाले जटाओं को पानी में डुबोकर चढ़ाने के माध्यम से, या पंचकल्याणादिक शिविर आदि में जब कोई भव्य रूप से यज्ञ होता है और यज्ञ में लकड़ियां आई जाती हैं और लकड़ियों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, घरौंदे होते हैं, मकड़ी होते हैं, उनको अग्नि में स्वाहा करते हैं। देखो भाई, मैं अधर्म का काम नहीं कह रहा हूं, मैं अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि देखो मंदिर में दीपक जलाते हो, धर्म का कार्य, अधर्म का कार्य, अधर्म का कार्य, ये तो आप मुमुक्षु हो, साधर्मी हो, और गुरुदेव टोडरमल जी और कुंदक कुंदाचार्य ने ये बात बताई है, इसलिए ये बात कह रहे हो। जरा अन्य मंदिरों में और प्रत्येक मंदिरों में जाके देखो, 365 दिन दीपक जलता। अब उनसे पूछो ये अधर्म का काम कर रहे हो कि धर्म का, अब बताओ क्या बोलेंगे? अरे अगर आपने कह दिया अधर्म का कर रहे हो, वहीं से हाथ पैर सलामत बाहर नहीं आएंगे, बोल मत देना, क्योंकि अपना लोटा छानने की जरूरत है, दूसरे का नहीं छानना। अखंड ज्योति जल रही है, 365 दिन दीपक जल रहे हैं, घी से आरती हो रही है, महाआरती हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। यह कार्य टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू धर्म क्षेत्र पे करके हिंसादिक के कार्य कर रहा है। पंचकल्याणक में लास्ट के दिन बहुत बहुत जोर से आहूतियां दी जाती हैं, लकड़ियां लाके उनमें छोटे छोटे जीव आप सोध रहे हो, एक एक लकड़ी को ठोक पीट के सोध रहे हो, नहीं सोध रहे ना, और आहूति दे रहे हो। आहूति देना, आहूति देना अधर्म नहीं? अरे जिन गुरु जिन देव जिन शास्त्र के सामने खड़े होके हिंसा दिक का कार्य कर रहे हो यह अधर्म है। पर्युषण पर्व के धूप में धूप दशमी के दिन आग में अत्यंत अग्नि तीव्र जला के उसमें धूप खेना, जिससे यह पंचेंद्रिय सैनी जीव की भी घुटन होने लगे और एक इंद्र जीव तो मरते ही मरते हैं, और वहां पर उस कार्य को करना अधर्म नहीं? बोले आप जिन देव जिन गुरु के सामने जो उसको धर्म मान रहे हो, वास्तव में वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। क्यों? क्योंकि आप हिंसादिक पाप उत्पन्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हिंसादिक पाप उत्पन्न कर रहे हो। हो हिंसादिक पाप उत्पन्न कर रहे हो। आप बोल रहे हो उसमें जीवों की हिंसा हो रही है, तो आप क्या धर्म कर रहे हो? कैसे बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो जीवों हाँ। की हिंसा हो रही है। हाँ। जो भाषा वर्गणा रूप वचनों से जो वाक्य निकल रहे हैं उसमें वायु कायिक जीवों में कुछ जीवों की हिंसा हो रही होगी। देखो एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है, अपने इस पंचम गर्भ में श्रावक के लिए वो जीव मुनिराजों के लिए भी दोष नहीं लगता है, ये तो हो सकता है, लेकिन जितना कम से कम हो उतना कम से कम बोलो, जितना कम से कम हो जब उतनी अपनी सुरक्षा करो। भाई प्रत्येक समय जीव है, आपके सांस लेने में भी जीव है, तो क्या हम सांस लेना बंद कर दें? श्वास उच्छ्वास में भी अनंत जीव जाते हैं और जीव आते हैं, तो बंद कर दें? ऐसा नहीं। देखो प्रश्न स्पष्ट है, लेकिन देखो जितना हो सकता है तो उतना तो कर सकते हैं। अब सोचो अगर यही कार्य अगर हम मंदिर के सामने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष होके दीपक आदि जलाएं, ये तो स्पष्ट में हिंसा दिख रही है, वचन के बोलने से तो हिंसा नहीं दिख रही है, लेकिन मंदिर में दीपक जलाने तो इससे तो हिंसा दिख रही है। आप मुझे बताओ मुनि महाराज के सामने या मंदिर में नारियल चढ़ा देने से या उसको धोके आप क्या करो, पहले बाल्टी में डालो और उसमें जो जटाओं में सूक्ष्म जीव थे उसका पहले घात करो, अब वो मर गए, अब उसको जटा के मंदिर में सामने रखो, तो आप उससे धर्म का कार्य मान रहे हो, उससे जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? यज्ञ फिर पैदा हो गए, गीला रहा तो ठंड वो गीला हो गया ना, तो फिर अनंत जीव पैदा हो गए, और धूप दशमी के दिन और पंचकल्याणों में आखिरी के हवन आदि के दिन कितने हिंसादिक के कार्य होते हैं।
तो कहते हैं देखो, जहां हिंसादिक पाप उत्पन्न होते हैं, वह विषय, विषय मतलब पांच इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये क्या है, पांच इंद्रिय है कि नहीं? और पांच इंद्रियों को पोषण करने वाले होते हैं सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं विषय। रसना इंद्रियों को पोषण करने वाला विषय क्या, इस रसना इंद्रिय का पोषण करने वाला विषय क्या, मिठाई, मिठाई, मिष्ठान। अब धर्म के कार्य पर क्षमावाणी के दिन नाना प्रकार के व्यंजन बना के, क्षमावाणी के दिन धर्मशाला मंदिरों में आदि का भोजन बनवा के, अनंत जीवों का घात करके, भक्ष्यावक्षण का उपयोग ज्ञान न लगाकर सर्व प्रकार के व्यंजन बना के गले मिलना और एक दूसरों को खिलाना, ये रसना इंद्रिय का धर्म समझ के पोषण हो रहा है कि नहीं? रसना इंद्रिय का क्या समझ रहे हो आप? अगर उधर अधर्म का कार्य कर रहे हो, अगर अधर्म का कार्य करो तो शादी विवाह में जो भोजन की सामग्री बनती है उधर भी क्षमा वाणी मनाओ, वहां तो विवाह मनाते हो, और मंदिर में भोजन आदि का कार्य करो तो क्षमा वाणी मनाते हो। बात तो रसना इंद्रिय का पोषण ही हो रहा है, बस आपने उसके ऊपर कपड़ा क्षमा वाणी का डाल रखा है। ये रसना इंद्रिय का पोषण हो गया। चक्षु इंद्रिय के पोषण के लिए क्षमावाणी, धूप, दशमी के दिन महिलाएं नाना प्रकार के वस्त्र, टिकली, बूंदा, लिपस्टिक, लाल, गुलाबी, पीली साड़ी पहन के अपने आभूषणों से जड़त होकर जिन मंदिर में आती हैं और लोगों को अपना प्रदर्शन बताती हैं, नेत्र इंद्रिय के पोषण से यह सब कार्य होता है। किस जगह पर? धर्म क्षेत्र। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य। कहां बरतोगे, कहां जाओगे, कहां कहां पाप धोगे, अपने किन गुरु का समागम प्राप्त करके अपने प्राश्चित करोगे? क्यों? क्योंकि आपने धर्म के क्षेत्र पर पाप का कार्य किया है, और ऐसी पवित्र शुद्ध जगह कोई हो नहीं सकती इस संसार में। आई बात समझ में? ये मनुष्य का घर, गृहस्थी, समाज, दौर, दुकानदारी, ये उसके उस पवित्र जगह के, मंदिर की जैसी पवित्र जगह के सामने कोई मायने नहीं रखती। तो कहते हैं कि देखो भाई, कि तुमने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, भजन आदि बना के, जोर जोर से नृत्य आदि के कार्य करके, पंच कल्याणकों में, जन्म कल्याणकों में नृत्य आदि, बाज गाजे गान आदि करके, वायु का एक जीवों की हिंसा करके, आप मुझे बताओ, केवल एक शादी और एक जन्म कल्याणक महोत्सव, एक शादी और एक जन्म कल्याणक महोत्सव, अगर एक जन्म कल्याणक महोत्सव में तीर्थंकर भगवान प्रभु का जन्म हटा दें और इधर शादी हो रही है इसका स्वरूप हटा दें और दोनों का स्वरूप हटा के अगर क्रियाओं में समानता दे दें, बैनर पोस्टर अलग कर दें, तो कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि यह धार्मिक जुलूस है कि यह शादी विवाह का जुलूस है। क्यों? दोनों में अभद्रता है भाई। शादी के विवाह में तो सांसारिक रूप से अभद्रता तो है ही, और डांस आदि, म्यूजिक, डीजे आके लगा के धर्म के स्वरूप को अस्वरूप बता देना, वहां पर भी अधर्म है। वहां पर आप धर्म नहीं कर रहे हो, विषयों के पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति पूर्वक अपनी पंचेंद्रियों का अत्यधिक तरीके से पोषण कर रहे हो। क्यों पोषण कर रहे हो? क्योंकि आपके पास साज है, बाज है, गाज है, रुपए है, पैसे है, धन है, लक्ष्मी है, आबरू है, इज्जत है, सब कुछ आपके पास है। अब कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं, और जितना बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे, श्रीमंत, सेठ, नायक, सिंगई, मोदी, नई नई उपाधियां भी मिलेंगी। क्या नई नई, क्या कहते हैं उसको, वो कहावत आती है ना, भूल गया, अभी आ जाएगी याद। देखो, ऐसे विषय कौन, पंचेंद्रिय के विषय। अब बात आ रही है कषायों की। कषाय कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय। क्या कहा? अपने मान का पोषण करके धर्म करना। मैं स्वाध्यायी व्यक्ति हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, डेली पूजन करता हूं, मैं 8 घंटे पूजन करता हूं, मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं, बिना पूजन किए मेरा काम होता नहीं, मैं गुरुओं के समक्ष जाता हूं, समागम लेता हूं, उनके द्वारा तत्व चर्चा करता हूं, क्योंकि गुरु मेरी मान प्रतिष्ठा का पूर्ण करते हैं। ऐसे अपनी कषायों की वृद्धि के लिए 3 वृद्धियां बता दी। क्या? हिंसादिक पाप उत्पन्न हो, अपने विषय की, पंचेंद्रिय रूपी विषय की और कषायों की वृद्धि। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ,
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद सब ले लेना 25 कसाएं बिल्कुल ठूस ठूस के, इसकी वृद्धि हो। अभी गलती नहीं की हमने पापा, अभी तक कोई गलती नहीं की हमने। देखो हमने जैन मंदिर में आके हिंसात्मक कार्य किए तो गलती नहीं की, क्यों नहीं की, हम तो धर्म कर रहे थे। हमने जैन मंदिर में आके अपने डीजे वीजे लगा के पंचेंद्रिय विषयों का पोषण किया तो हमने गलती नहीं की, क्यों, क्योंकि हम कार्य पापा मंदिर में कर रहे थे और मंदिर में हम कोई कार्य पाप का नहीं करते। क्रोध मान माया लोभ रूप हास्य रति अरति रूप कषायों की प्रवृत्ति करके हमने जिन चैत्यालय जिन देव जिन गुरु के सामने पाप नहीं किया, अरे उन्होंने तो चुटकुला सुनाया था उदाहरण देके और हमने हंस दिया, अरे हम तो मंदिर में थे हम पाप नहीं कर रहे थे। अब टोडरमल जी कहते हैं वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना, क्या कहा, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना, कि अरे भाई जो जो कार्य मैं कर रहा था सारे को मैं धर्म समझ रहा था, यही पाप है यही कुधर्म है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अनंत काल से प्रत्येक पर्याय जन्य अवस्था पाकर हमने इस धर्म को धर्म काला चादर ओढ़ के कुधर्म रूपी कार्य किया। आज टोडरमल जी ने बता दिया कि तूने जो धर्म के कार्य किए हैं उसमें जो तू धर्म बुद्धि मान रहा है जो मानना वही कुधर्म है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ने कहा, देखो जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो वह विषय कषायों की वृद्धि हो वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना, आई बात। अब कहते हैं देखो यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक रूप उत्पन्न करे, जो पहला वाक्य कहा हिंसादि पाप उत्पन्न हो उसमें क्या कहा, यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे। देखो जो जो व्यक्ति यज्ञ करते हो और यज्ञ में एक इंद्रिय जीवों का घात करने के प्रति अग्नि आदि वायु का एक सव आदि का जीवों की घात करते हो, ये बात उनके लिए है, जो साधर्मी व्यक्ति ऐसे जीवों का घात करते हैं उनकी बात नहीं है। अब मैं जैन समाज में कोई एक व्यक्तियों से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप यज्ञ करते हो और यज्ञ में आप लकड़ियों की आहुति देते हो या पर्युषण पर्व के बीच में किसी भी पर्व के बीच में किसी भी धूप आदि के खेवन का कार्य करते हो, करते हो तो ये बात तुम्हारी है और नहीं करते हो तो ये बात उनके लिए है। जब लोटा छाना और लोटा छान के हमने जीवों की गिनती की तो अरे लाखों करोड़ों अरबों जैनों में से मात्र कुछ एक आधे से आधे 0.1% ही जीव ऐसे हैं जो इन हिंसादिक कार्य को करते करते इसको धर्म मान रहे हैं अधर्म मान रहे हैं, कुछ एक व्यक्ति कुछ एक। तो कहते हैं देखो यज्ञ आदि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, बड़े जीव ले लेना कौन, जो कुधर जो अन्य समाज के लोग पंचेंद्रिय सैन्य जीवों को बलि आदि दे के धर्म के मार्ग पर करते हैं। अरे आज एक कौम हमारे इस भारतवर्ष में ऐसी है कि जो अपने धर्म की उसी दिन अनंत अनंत जीवों की बलि चढ़ाकर प्राण घात करते हैं और उसको धर्म मानते हैं। आप समझा के देखो उनको, एक बात बोल के देखो कि भाई ऐसा काम नहीं करो, वो आपके लिए ऐसा प्रतिउत्तर देंगे हम तो धर्म का काम कर रहे हैं और तुम मुझे अधर्म की बात बता रहे हो। अरे वो तो जीव है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, वो भी तो एक पंचेंद्रिय सैनी है, सब प्रकार से सोचता विचारता है, लेकिन आप इसके बारे में विचार नहीं कर रहे। थोड़ा सा उनको बोलो स्लो कर लो थोड़ा। तो कहते हैं बुलाओ मान जाएंगे तो मकबूला। हाँ अरे हम पीछे से हमें सुनाई पड़ रहा है खिड़कियों से। देखो बड़े जीवों का घात करें और इंद्रियों के विषय पोषण करें उन जीवों को, देखो यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसा रूप उत्पन्न करें, बड़े जीवों का घात करें और इंद्रियों के विषय पोषण करें। इंद्रियों के मतलब पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति रूप विषयों का पोषण करें। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि क्या होता है, घात तो हो रहा है जीवों का, घात तो हो रहा है पंचेंद्रिय जीवों का, साक्षात हमें ऐसा लग रहा है कि ये जीवों की हिंसा रूप कार्य हो रहा है। अब जो ऐसे हिंसा का कार्य कर रहे हैं वो कौन, शुद्ध बुद्धि वाला तो होगा नहीं, कौन बुद्धि वाला होगा,
दुष्ट बुद्धि वाला होगा। अंतरंग में उसके आदरवत परिणाम पूर्वक पर जीवों के प्रति किसी भी प्रकार के दया के भाव नहीं आ रहे होंगे, ऐसा ही व्यक्ति वो होगा। तो मैं ये कहता हूं कि संसार में कोई व्यक्ति जब किसी को मारता है, उसका दिल दुखाता है, हिंसा रूपी कार्य करता है, तो आप उसको सज्जन कहते हो कि दुष्ट कहते हो? बताओ अनुराग, क्या कहते हो? दुष्ट कहते हो। तो यहां पर जब कोई धर्म के क्षेत्र में हिंसात्मक रूपी कार्य करे तो हम उसको सज्जन नाम लेंगे कि दुष्ट नाम लेंगे? ये बात उनकी है कि जिन गुरुओं के समागम से प्राप्त करके हम इन अबोध अज्ञान श्रावकों ने उन गुरु का समागम प्राप्त करके पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का कार्य किया और उनके उपदेश सुनकर उसमें धर्म मान लिया, ऐसे दुष्ट जीव। क्या कह रहे हैं, समझ में आई नहीं आई पापा क्या कहा मैंने? मतलब आपने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं, जीवों का घात हुआ तो जाना नहीं, अब आपने इन शास्त्रों को ना पढ़ के जिन गुरुओं को समागम प्राप्त करके ऐसे हिंसात्मक कार्य में धर्म होता है और इस धर्म का कार्य प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए, बोले ऐसे दुष्ट बुद्धि। यहां पर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं, जो जो ऐसा कार्य कर रहे हो, दिस इज ए सिद्धांत वाक्य। अगर ऐसा सिद्धांत वाक्य उन जीवों में सेट हो रहा है तो याद रखना वो शुद्ध बुद्धि नहीं है, वो दुष्ट बुद्धि है। तो कहा जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, कौन से ध्यानी हो? रौद्र ध्यानी। अब मुझे बताओ, जब हमें भूख लगती है तभी तो हम भोजन करते हैं, जब हमें प्यास लगती है तभी तो हम भोजन करते हैं। आप परद्रव्य के प्रति द्वेष रूपी भाव जब अंतरंग में घृणास्पद होता है तभी तो वचनों के माध्यम से द्वेष रूप करते हो, आई बात समझ में? तो आपका अंतरंग में मन जब आपका कलुष है तभी तो आप वचनों के माध्यम से ऐसी क्रिया कराने के लिए श्रावकों से कह रहे हो। तो अंतरंग में रौद्र भाव चल रहे हो, रौद्र भाव का फल नरक और आद्र भाव का फल निगोद, त्रियंच। आद्र भाव का फल त्रियंच और रौद्र भाव का फल नरक, ऐसे परिणाम जब अपने अंतरंग में ज्वला पंचेंद्रियों विषयों के प्रति और कसायों की भभकती हुई ज्वाला जब अंतरंग में जल रही है, उसी को आप वचनों के माध्यम से बोल के श्रावकों को अपने राग लपेट में लेकर हिंसात्मक कार्य करा रहे हो। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसे जीव, क्या कहा? उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, क्या कहा? तीव्र लोभ से, लोभ यहां घर में रह के गृहस्थ में बाल बच्चे स्त्री पुत्र मकान जमीन जात गाड़ी घोड़े बंगले का लोभ नहीं। इस जीव ने तो गृहस्थपना छोड़ दिया है, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है, लेकिन पंचेंद्रियों के आसक्ति प्रति नहीं छूटी, उसमें मान है, क्रोध है, लोभ है, सर्व प्रकार की कशाएं युक्त हैं। तो चूल्हा तो धर्म का है, परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो लोग अधर्मी कहेंगे। तो एक काम करो, यहां पर पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रूपी परिग्रह इकट्ठा करो और उसका धर्म का चादर ओढ़ दो, इस जीवकों को बातों में ले लो और धर्म के मार्ग पर मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, शास्त्र छपवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इसमें अपना साम्राज्य अपना बढ़ाओ, इसको धर्म मानेंगे। अंतर तो कोई नहीं है, पंचेंद्रियों की ज्वाला धधकती हुई घर में भी थी और वहां पर पंचेंद्रियों विषयों के प्रति द्वारा झलकती हुई वहां पर भी है, सिर्फ चोला अलग है, वस्त्र अलग है। तो कहते हैं देखो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके, दूसरों का बुरा करके, किसका? ऐसे श्रावक, भोले सार श्रावक, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, ऐसी भावना जिसके अंतरंग में जगी, मुझे भगवान बनना है, हे प्रभु मैं अल्प ज्ञानी क्षोभशम का कमधारी, ये द्वादशांगी की वाणी जिन वाणी हमें समझ में आती नहीं, लेकिन जो बातें इसमें लिखी हैं वह हमारे सच्चे स्वरूप का निरूपण करने वाली हैं और हमें भगवान बनाने वाली हैं। हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपके समागम में आके उस बात को समझना चाह रहा हूं। ऐसा अबोध अज्ञान आंखों से बंद श्रद्धा से लुटा हुआ व्यक्ति जब उस गुरु के सामने आता है तो वह गुरु की बातें सुन के अपने श्रद्धान को और लुटा बैठता है और गुरु तो नरकों में जाता है और साथ में उसको भी ले जाता है। अब बताओ, ऐसे अनंत अनंत जीवों के श्रद्धा के साथ में खेल खेलने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? अल्प समय में आप तो कोई श्रद्धा का ज्ञान करा के आपकी श्रद्धा को पलट देगा, लेकिन जिसने अनंत जीवों की श्रद्धा का घात किया है वो अनंत काल तक भी इस संसार में परिभ्रमण करेगा।
श्रद्धा का लुटेरा है। रुपए पैसे धन जान जाते, रुपए पैसा तो चार दिन बाद फिर कमा लेंगे, श्रद्धा लुट गई तो भव भव लुट जाएंगे। कहते हैं तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपने को अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे ले लेना, जैसा प्रयोजन जिसका हो। प्रयोजन मतलब, प्रयोजन मतलब पंचेंद्रियों की प्रति आसक्ति के पने के जैसे भाव हो वैसे, आई बात, जैसा प्रयोजन चाहो साधना चाहे ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म है। ऐसे कार्य करके जहां धर्म माने सो कुधर्म है। तथा तीर्थों व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करें। अब थोड़ा सा टोडरमल जी अजैनों के प्रति दृष्टि डाल के कह रहे हैं, क्यों 250 वर्ष पूर्व भी लोग गंगा जाते थे, नर्मदा जाते थे, गया जी जाते थे क्षेत्रों पर, है ना, सब कार्य करने स्नान आदि करने से पाप धुल जाते हैं, हरिद्वार जाते थे, चलो हिंसात्मक कार्य करें, साल में 4 बार जाएंगे गंगा नहा के आएंगे और सारे पाप धुआएंगे, है ना, पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई, ऐसा कुछ आता है ना वाक्य। तो कहते हैं देखो, तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नान आदि कार्य करें, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। क्या होती है? अरे सर्फ साबुन लगाओगे, सोडा लगाओगे, अपना मैल डालोगे, पवित्र सूक्ष्म जीव जो आपके संसर्ग में आके ताप के आकर जीवों की हिंसा हो जाती है, है? मुझे बताओ, जब एक गर्म शरीर पर ठंडा पानी डालते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि नहीं, या ठंडे शरीर पर गर्म पानी डालते हैं तो तकलीफ होती है कि नहीं। जब एक इंद्रिय जीव, जल का एक जीव अपने समानांतर जिस स्पर्श इंद्रिय के कारण उस जल का एक शरीर में जीवित है, और आपका गर्म शरीर जब उसमें आएगा तो आपके संसर्ग में आके उन जीवों का घात नहीं होगा। आप सर्प सोडा से नहाओगे और वह सोडा उसमें घुलता जाएगा तो जीवों का घात नहीं होगा। आपके नहाने के पूर्वक पहले से सरकार गवर्नमेंट ने वहां पर अनंत अनंत जीवों को रोक दिया, पुल बांध बना के पानी को बंद कर दिया, उस पानी में अनंत अनंत जीव उत्पन्न हुए, मरे और आपके संसर्ग में आकर और घात हुआ, और आप क्या समझ रहे हो कि मैं तो धर्म का कार्य कर रहा हूं। कहते हैं वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है। किसको चैन मिलता है? शरीर को, आत्मा को नहीं मिलता। अरे आत्मा तो ऐसी हो रही है, बिलख रही है, पता पता धर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं? पापा हिंसा किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना हिंसा नहीं है। अपने आत्म स्वभाव में राग धूप रूपी परिणाम का एक समय भी लेकर आना, ये अपने आत्म स्वभाव का घात करना हिंसा है। क्या कहा? अपने आत्म स्वभाव में एक रंच मात्र प्रति राग का परिणाम लेके आना, यह अपने आत्म स्वभाव की हिंसा है। और जब इस जीव ने राग का भाव करके अपने आत्म स्वभाव का ही घात कर दिया तो संसार की हिंसा तो इसके सामने कोई हिंसा है ही नहीं। अब करो धर्म, अब करो हिंसा के अहिंसा के कार्य, बताओ है? मतलब हम छल कपट कर रहे हैं किसी दूसरे से नहीं, अपने इस निज निज शुद्धात्म ध्रुव चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा के साथ छल कपट कर रहे हैं। और शरीर का सहयोग पाकर हम 24 घंटे इसी को ही प्रताड़ित कर रहे हैं कि देख तेरे को शरीर मिला, तेरे को कैद करके मैं तेरे को रुमोह करूंगा, मैं तेरे को राग करूंगा, और इन विकारी भावों में तुझे ऐसा परिणाम आऊंगा कि तेरी दृष्टि जब जब शुद्धोपयोग पर जाएगी पंच इंद्रियों के प्रति आसक्ति तेरे को दूर खींच के ले जाएगी। अब करो धर्म, अब करो धर्म। कहते हैं देखो, छोटे बड़े जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं। क्या होते हैं? कामादिक क्रियाएं बढ़ती हैं। शरीर का पोषण करोगे तो कामादिक क्रियाएं बढ़ेंगी, और जब अपने आत्म स्वभाव नित्य चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा का चिंतन करोगे तो विषय शक्ति के प्रति आसक्ति घटेगी। सीधी सी बात है कि नहीं, बताओ। खोवा बनाना है तो दूधी से बनाना पड़ेगा कि पानी से, दूध से है? मठा भाना है तो दूध को ही भाना पड़ेगा कि पानी के भाने से मठा बन जाएगा? नहीं, शरीर को भाओगे, गंगा स्नान करोगे, उसी के प्रति आसक्ति के प्रति डेली आप खिलाओगे पिलाओगे और कहोगे धर्म हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? तीन काल में नहीं। अरे अपने निःशुद्धात्म भगवान तत्व को देखना है तो अपने शरीर से पृथक निज प्रभु आत्मा को देखना पड़ेगा, और उसके आसक्ति के प्रति ही आपको दृष्टि लगानी पड़ेगी, तब भगवान मिलेगा। तेरा रास्ता ही अलग है और प्राप्त करना चाहता है ये, बता कौन से काल में तुझे मिलेगा? बताओ काल, बताओ समय, बताओ कभी मिलने वाला
स्टेयरिंग ही गलत है, दिशा ही गलत है। अनिंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तू प्राप्त करना चाह रहा है। अरे भव्य जैन, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु करण, ये तो शरीर है, पुद्गल है, पुद्गल परमाणु है, शरीर की क्रिया है। तू तो ज्ञान दर्शन शक्ति युक्त भूर्य भगवान प्रभु आत्मा है। तू इन पंचेंद्रियों से तू ज्ञान दर्शन वीर शक्ति का गुणगान कैसे कर सकता है? क्यों? दो व्यक्ति अलग अलग हैं और दोनों व्यक्ति की अलग अलग प्रणति है, तू एक में एक मिला के एक गुणगान कैसे कर रहा है? आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं कहना क्या चाह रहा हूं है? मतलब तू पांच इंद्रियों से अनिंद्रिय का ज्ञान करना चाह रहा है, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नेत्रों से तू भगवान आत्मा देख सकता क्या? है क्या? नेत्रों से तूने जैसे परद्रव्य देखा तो तेरे को पुद्गल ही दिखेगा, और तूने अपने अंतरंग की दृष्टि से अपने निष्भाव भगवान आत्मा की ओर दृष्टि डाली तो तेजो भगवान आत्मा दिखेगा। वहां नेत्रों का कोई काम नहीं, और अगर नेत्र भगवान आत्मा बताने में आसक्ति हो तो नेत्रहीन व्यक्ति कभी भी भगवान ना बन पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे पांच इंद्रियां भी ना रहे तो भी वह भगवान बन के रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में उसके अनिंद्रियपना चल रहा है, भगवान आत्मा चल रहा है। आई बात समझ? तो कहते हैं कि देखो, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं, कौतूहलादिक बुद्धि वहां कषाय भाव बढ़ाती है ना, और धर्म मानना सो वह कुधर्म है। आई बात समझ में? क्या है? कुधर्म है। आइए दो पैराग्राफ कड़े, अब केवल मैं ढाई लाइन पढ़ूंगा बस, उसके बाद अपन कल चर्चा करेंगे। अब टोडरमल जी यहां पर लिए ऑप्शन देते हैं हमारे, देखो तुम क्या क्या कार्य करते हो। तथा संक्रादिक, संक्रादिक मकर संक्रांति आदिक, संक्रादिक ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, व्यतिपादादिक में दान देता है, कौन सी? उल्का पिंड गिरना, तारे टिमटमा के तारे टूट के गिरना, उल्का पिंड गिरना है ना, पत्थर गिरना हो दूसरे ग्रह के, इनमें दान देता है ना, दान देता है, पाप धोता है, तो क्या करता है? धर्म मानता है। बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, शनिदेव लगे हुए हैं, बृहस्पति है, मंगल का ग्रहण है ना, सब प्रकार के कर्ण है। आपको पता है हमारे महावीर भगवान जब मोक्ष गए थे ना, तो उस दिन पूरा संसार जब वो कौन सा पक्ष मानता है उसी पक्ष में गए थे, है शुक्ल पक्ष में, और सभी लोग उसको अशुभ मानते हैं, तो थोड़े से महावीर भगवान रुक जाते। अगर कोई पक्ष और विपक्ष आराब खराब, कोई दिशा, कोई दिन, कोई तारीख, कोई समय, कोई घड़ी, कोई चौगड़ी खराब होती तो यह स्वचालित प्रक्रिया इतनी ही क्यों सेट है, आगे पीछे कर देते ना। शनि खराब होता है तो शनि का दिन अलग ही कर देते, उसको रखा क्यों? अरे प्रत्येक समय स्वाधीन है, कोई समय एक समय का करता धरता नहीं है। बुरे कार्य ग्रहादिक अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में स्वर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रमादिक धर्म आदि धर्म रूप नहीं है। ज्योतिष आदि संचरादिक द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। क्या कहा? अब पता मकर संक्रांति में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में सूर्य का जाना एक साल में 12 बार आता है, लेकिन मकर संक्रांति सब मानते हैं, जैन भी और अजैन भी। वो तो रोज करती थी। नहीं नहीं यहां देखो क्या है, देखो क्या है, ये जो बात आई ना मकर संक्रांति जैन लोग क्यों मानते हैं, देखो देखो मैं बता रहा हूं पापा, ये सुनो 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 सुनो, जब यह जीव अजैन व्यक्तियों के संसर्ग में रह के मकर संक्रांति रूपी तिलताल बनाता है, तो जब लोग इससे पूछते हैं कि भाई तुम जैन हो तुम मकर संक्रांति नहीं मनाते, अरे यार हम जैन हैं और नहीं मनाते, वो पूरा भारत बना रहा है। तो हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों ने क्या किया कि इस अधर्म के कार्य को धर्म से जोड़ दिया। तो क्या घटना बता दी? बोले भरत चक्रवर्तियों ने अकृत्रिम जैन चैत्यालय के दर्शन किए थे, वो तो रोज करते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं चूकता था कि जिस दिन आहार ना दें जैन दर्शन ना करें, उनकी तो अवगाहना ही इतनी थी, डेली करते थे वो तो। अरे ये क्या है, लोगों ने अपनी पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति आसक्ति के रूप में उसको धर्म का चादर पहना दिया और चूहे मारने का जहर चूहे मारने की दवाई के नाम से बिकने लगा।
आई बात समझ में? अभी टोडरमल जी थोड़ी सी विशेष बात नहीं कर रहे, अभी देखो अभी और आएगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी बात ये रखो कि हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण शनि आदि के देवों के प्रकोप समझ के इस दिन इसको अधर्म के कार्य समझते हैं, धर्म करते हैं। यह सब कुरीतियां हैं, कुधर्म है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे इसी समय। सहजानंदी शोधे।